दोस्तों भारत की एक ऐसी दरगाह जिसे माना जाता है रहस्यमय। जी हाँ, एक ऐसी दरगाह जिसके बारे में कहा जाता है इसमें इतना चमत्कार है कि इसे बड़े से बड़े समुद्र में भी नहीं डुबाया जा सकता। यहाँ आने वाले लोगों की हर मन्नत ये दरगाह झट से पूरी कर देता है। विज्ञान से लेकर धर्म तक के एक से एक बड़े जानकार भी इस दरगाह की अनसुलझी गुत्थी नहीं सुलझा पाए। आज की अपने इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी दरगाह के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे इसके पीछे के अनसुलझे राज के बारे में। लेकिन उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लिया होगा और बेल आइकॉन को भी दबा दिया होगा, जिससे आपको हमारे चैनल की हर नोटिफिकेशन का पता सबसे पहले चल जाए। दोस्तों, क्या आप भारत के उस पवित्र स्थल के बारे में जानते हैं जहां हिंदू मुस्लिम जाकर एक जगह प्रार्थना करते हैं, जहां समंदर की लहरें भी आकर नतमस्तक हो जाती हैं? जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंबई में बनी हुई हाजी अली दरगाह की, जहां समंदर की लहरें चाहे कितनी भी उफान पर हो लेकिन यह दरगाह कभी नहीं डूबती। आइए जानते हैं इस दरगाह के ना डूबने के पीछे का असल रहस्य। मुंबई के वर्ली बीच से 500 मीटर दूर अरब सी के बीच एक छोटे से टापू पर स्थित 4500 स्क्वायर एरिया में फैली हुई यह रहस्यमयी और चमत्कारी हाजी अली दरगाह दुनिया के उन चुनिंदा धार्मिक स्थलों में से एक है जहां पर सभी धर्म के लोग अपना धागा बांधकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। हाजी अली दरगाह जहां समंदर की लहरें चाहे कितनी भी उफान पर हो लेकिन यह दरगाह कभी नहीं डूबती। यह दरगाह बाकी सभी से बहुत अलग और खास है। यहां तक कि लोग इसे चमत्कारी दरगाह भी कहते हैं। अगर इसके चमत्कार की बात करें तो 26 जुलाई 2005 को मुंबई में भयंकर बाढ़ आ गई थी जिसमें कई घरों और इमारतों को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन इस दौरान दरगाह को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसी तरह सुनामी के दौरान भी जब लाखों लोग मारे गए तब भी समुद्र के बीच इस पवित्र दरगाह को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसी तरह अरब सागर में 1949 में भी एक बड़ा भूकंप आया था जिससे समुद्र में सुनामी लहरें उठी थी। इन लहरों में कई इमारतें तबाह हो गई थी लेकिन हाजी अली दरगाह की इमारत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। जब तूफान शहर की ओर बढ़ा तो ऊंची लहरों पर दरगाह के चिराग तैरने लगे। कहते हैं कि इन चिरागों ने लहरों को पीछे ढकेल दिया था और सैकड़ों लोगों की जान बच गई। ये दरगाह समुद्र में बनी हुई है जहां तक पहुंचने के लिए लोगों को समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों से होकर गुजरना पड़ता है। इसकी यही बात इसे सबसे अलग और चमत्कारी बनाती है। ये दरगाह समुद्र में उफान आने के बाद भी कभी नहीं डूबती। लोगों का कहना है कि इस दरगाह पर अल्लाह की मेहर है, तभी तो कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता है। बाबा हाजी अली शाह बुखारी की यह दरगाह हमेशा से ही रहस्यों के घेरे में घिरी रही है। आज तक यहाँ तूफान और लहरें इस दरगाह का कुछ भी नहीं कर पाई है, जो कि इस रहस्य को और भी गहरा बनाता है। दरगाह तक जाने के लिए सीमेंट का एक रास्ता भी बनाया गया है जो समुद्र में हाई टाइड आने के समय पूरी तरफ से डूब जाता है और दरगाह को बंद करना पड़ता है। हैरानी की बात तो यह है कि हाई टाइड के वक्त पानी की इतनी ऊंची लहरों की एक बूंद भी दरगाह के अंदर तक नहीं जाती। हर सुबह सूरज उगने से पहले दरगाह के रास्ते से पानी नीचे उतर जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो पूरा रास्ता पानी में डूब जाता है। इस दरगाह को हर रोज सुबह से शाम तक ही खोला जाता है और शुक्रवार के दिन यहाँ पर फरियादियों की काफी भीड़ भी रहती है। हाजी अली ट्रस्ट के मुताबिक हाजी अली उज़्बेकिस्तान के बुखारा से पूरी दुनिया की सैर करके भारत पहुंचे थे। वहीं इसी को लेकर एक दूसरी राय ये भी है कि हाजी अली शाह बुखारी अपने भाई के साथ भारत घूमने आए और मुंबई के वर्ली में रहने लगे। कुछ समय बाद जब उनके अपने घर लौटने का समय हुआ तो वो वापस जाने के बजाय अपनी माँ को एक लेटर भेज देते हैं। इस लेटर में माफी मांगते हुए उन्होंने लिखा था कि अब वह मुंबई में रहकर ही इस्लाम का प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को इस्लाम की अच्छी बातों की जानकारी भी देंगे। इसके बाद उन्होंने मक्का की हज यात्रा से पहले अपने सारे धन का त्याग कर दिया था और यात्रा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका अंतिम संस्कार भी वहीं किया जाना था, लेकिन माना जाता है दोस्तों कि अरब सागर में तैरते हुए उनके शव का ताबूत मुंबई में आ गया था। यह चमत्कार से कम नहीं है कि हाजी अली का ताबूत इतने दिन पानी में रहने के बाद भी ताबूत में एक बूंद भी पानी नहीं गया। लोगों का कहना है कि मौत के बाद उनके शरीर को एक ताबूत में रखा गया और उसे समुद्र में बहा दिया गया। ये ताबूत बहते हुए मुंबई में इसी जगह वापस आ गया था। एक दूसरी मान्यता के मुताबिक इसी जगह पर हाजी अली के डूब जाने से उनकी मौत हो गई थी, इसलिए उनके समर्थकों ने उनकी याद में यहाँ पर इस खूबसूरत दरगाह का निर्माण किया। कहा जाता है कि हाजी अली उज़्बेकिस्तान के एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे। एक बार जब हाजी अली उज़्बेकिस्तान में नमाज पढ़ रहे थे तभी एक महिला वहां से रोती हुई गुजरी। हाजी अली के पूछने पर महिला ने बताया कि वह तेल लेने निकली थी लेकिन तेल से भरा बर्तन गिर गया और तेल जमीन पर फैल गया। महिला ने कहा कि अब उसका पति उसे इस बात के लिए खूब मारेगा। यह बात सुनने के बाद हाजी अली महिला को उस जगह पर ले गए जहाँ तेल गिरा था। वहाँ जाकर उन्होंने अपना अंगूठा जमीन में गाड़ दिया जिसके बाद जमीन से तेल का फव्वारा निकलने लगा। यह चमत्कार देखते ही महिला हैरान रह गई। उसने तुरंत अपना बर्तन तेल से भर लिया और अपने घर चली गई।
कहा जाता है दोस्तों कि महिला तो खुश होकर वहां से चली गई थी, लेकिन हाजी अली को कोई बात परेशान किए जा रही थी। उन्हें रातों में बुरे सपने आने लगे। अंदर ही अंदर उन्हें लग रहा था कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने जमीन से तेल निकालकर धरती को जख्मी कर दिया है। बस तभी से वह मायूस रहने लगे और बीमार भी पड़ गए। कुछ समय बाद वह अपना ध्यान भटकाने के लिए अपने भाई के साथ बंबई व्यापार करने आ गए थे। बंबई में वे उस जगह पहुंच गए जहां आज हाजी अली दरगाह है। कुछ समय वहीं रहने के बाद हाजी अली का भाई उज़्बेकिस्तान वापस चला गया, लेकिन हाजी अली ने वहीं रहकर धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए अरब देशों और पर्सिया से ख्वाजा गरीब नवाज जैसे कई सूफी संत आए, जिन्होंने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भारत के कोने कोने की यात्रा की। उसी दौरान ईरान से एक ऐसे संत आए, इनका नाम था पीर हाजी अली शाह बुखारी। कहा जाता है दोस्तों कि पीर हाजी अली शाह बुखारी के समय और उनकी मौत के बाद कई चमत्कारी घटनाएं घटी थी। पीर हाजी अली शाह ने शादी नहीं की थी और उनके बारे में जो कुछ मालूम चला वो दरगाह के ट्रस्टी और पीढ़ी दर पीढ़ी सुने जा रहे किस्सों से ही पता चलता है। पीर हाजी अली शाह की एक खास बात यह रही कि अपने अंतिम समय तक लोगों और श्रद्धालुओं को इस्लाम के बारे में वो ज्ञान देते रहे। अपनी मौत के पहले उन्होंने अपनी शागिर्दों से कहा कि वे उन्हें कहीं दफन ना करें और उनके कफन को समंदर में डाल दें। उनकी अंतिम इच्छा पूरी की गई और ये दरगाह शरीफ उसी जगह है जहां उनका कफन समंदर के बीच एक चट्टान पर आकर रुक गया था। इसके बाद उसी जगह पर उनकी याद में दरगाह बनाई गई। वही बात अगर करें तो गुरुवार और शुक्रवार को दरगाह पर हर मजहब के करीब 40,000 लोग आते हैं। जी हाँ, अक्सर शुक्रवार को दरगाह पर कवाली का भी आयोजन किया जाता है। इस दरगाह में भारतीय इस्लामिक सभ्यता का अद्भुत कोऑर्डिनेशन दिखाई पड़ता है। 4500 मीटर में फैली इस सफेद मस्जिद में 85 फीट ऊंचा टावर मेन आर्किटेक्चरल अट्रैक्शन है। मस्जिद के अंदर स्थित दरगाह जरीदार लाल और हरी चद्दर से ढकी रहती है। मेन हॉल में संगमरमर के पिलर्स बने हुए हैं। इन पिलर्स पर 99 जगहों पर अल्लाह का नाम लिखा गया है। मस्जिद के ज्यादातर स्ट्रक्चर खारी समुद्री हवाओं की वजह से कमजोर हो गए हैं, जिस कारण समय समय पर इसका रेनोवेशन किया जाता है। पुल से दरगाह पर पहुंचने पर वहां कई दुकानें भी हैं, जहां दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर, फूल, इत्र और बाकी सभी सामान मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ एक मस्जिद भी है। इसका निर्माण हाजी उस्मान रंजीकर ने करवाया था, जी हाँ, जो तीर्थयात्रियों को मक्का ले जाने वाले एक जहाज के मालिक थे। लोगों का मानना है दोस्तों कि हाजी अली शाह बुखारी के मरने के बाद उनकी बहन उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगी थी। वर्ली की खाड़ी से कुछ दूरी पर उनका मकबरा भी है। हाजी अली की दरगाह में जो भी पूरे दिल और सच्चे मन से कोई मुराद मांगता है वो जरूर पूरी होती है। इसी के साथ अगर आप लोग भी इस दरगाह और पीर हाजी अली पर अपनी श्रद्धा रखते हैं तो एक बार तो आपको इस दरगाह में जाना जरूर चाहिए। इसको लेकर अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें।